नमस्कार। कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें इस संख्या का डिविजिबिलिटी बाय 4 और डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 4 देखेंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार संख्या दोबारा लिखेंगे 7 2 6 3 5 2। और हम जानते हैं कि 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, आखिरी के दो डिजिट देखते हैं, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस देखते हैं और उनको कंबाइन कर लेते हैं। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को कंबाइन करने से जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो है 502, यानी कि 52। तो हम देखेंगे 52 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। 52 को 4 से डिवाइड कर दो तो हमें पहाड़े पता है 13 चौके 52 होता है, यानी शेषफल आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि 52 इज डिविजिबल बाय 4, और यदि यह दो डिजिट्स 4 से डिवाइड हो गए, इसका मतलब यह पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 7 2 6 3 5 2 इज डिविजिबल बाय 4। ये है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। बहुत आसान है, सिर्फ आखिरी के दो डिजिट देखने हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं या नहीं आते हैं। अब हमने देखना है डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, तो आइए देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए हम ये संख्या फिर से लिखते हैं 7 2 6 3 5 2। डिविजिबिलिटी बाय 8 बच्चों बिल्कुल 4 जैसी है, सिर्फ एक ही फर्क है और वो ये कि 4 में हमने आखिरी दो डिजिट लिए थे, डिविजिबिलिटी बाय 8 में आखिरी तीन डिजिट लेने हैं। तो आखिरी तीन डिजिट्स लेने हैं, तो यानी कि ये बन जाएगा आखिरी तीन डिजिट्स लिए तो ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो है 352। अब हम देखेंगे 352 8 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। तो 8 चौके 32, 35 में से 32 निकाले 3, ऊपर से उतारा 2, 32, फिर से 8 चौके 32, शेषफल आ गया 0। शेषफल आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि 352 आखिरी तीन डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, और यदि 352 डिविजिबल है इसका मतलब ये पूरी संख्या भी डिविजिबल होगी, यानी कि 7 2 6 3 5 2 इज डिविजिबल बाय 8। तो देखा आपने, इस छोटे से वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक किया, उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक किया। याद रखना शेषफल 0। 4 के लिए आपने लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, 8 के लिए आपने लास्ट 3 डिजिट्स लेने हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के मैंने दो भाग करवाए हैं अपने वीडियोस में, ए और बी। इसके बाकी जो भाग हैं वो आपने स्वयं ट्राई करने हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको समझ आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें और अच्छे वीडियोस बनाने की और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।